हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स करके क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चंस ये है कि सर, यूपी स्कॉलरशिप का जो प्रॉपर स्टेटस है वो कब से आएगा, यानी कि हम अपना प्रॉपर स्टेटस किस डेट से देख सकेंगे, प्लस जो यूपी स्कॉलरशिप का करेक्शन पोर्टल है वो किस डेट से ओपन होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है और आप अपनी स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ही होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोज अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोग अपना जो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो कहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग वहीं से करेक्शन भी कर सकेंगे। उसके बाद हम डेट्स बताएंगे, यानी कि जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं यूपी स्कॉलरशिप के करेक्शन की और स्टेटस की वो क्या हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आपको सिंपली सबसे पहले करना क्या है, आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। वहाँ पे आपको सर्च करना है sarkarijobfind.com, इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सिंपली यूपी स्कॉलरशिप करेक्शन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आप लोग 7 से 8 लिंक्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का प्री मैट्रिक का पोस्ट मैट्रिक का एंड अदर देन इंटर का जो फॉर्म है वो लॉगिन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके में करेक्शन पोर्टल ओपन हुआ है या नहीं, क्योंकि पिछली बार जो ओपन हुआ था करेक्शन पोर्टल यानी कि 20 दिसंबर को, वो बिना अपडेट के ही ओपन हो गया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि रेगुलर विजिट करते रहिए वेबसाइट पर। सो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि प्रॉपर स्टेटस जो है वो किस डेट से शो होने वाला है, यानी कि किस डेट से आप लोग देख सकेंगे कि आपका जो फॉर्म है कॉलेज लेवल से वेरीफाई हुआ है या नहीं, डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हुआ है या नहीं, या फिर रिजेक्ट हुआ है या सस्पेक्ट है। तो देखिए, जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो ये हैं कि सेकेंड वीक ऑफ फेब, यानी कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में जो आपका प्रॉपर स्टेटस है वो शो हो जाएगा। यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि 8 फरवरी 9 फरवरी से लेके 12 से 13 फरवरी के बीच में जो आपका करेक्शन यानी कि प्रॉपर स्टेटस है वो शो हो जाएगा, और उसके 2 से 3 दिन के बाद आपका जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग रेगुलर फॉर्म लॉगिन करके चेक करते रहिए कि उसमें आवेदन पत्र को संशोधन वाला जो ऑप्शन होता है उस पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है या नहीं, क्योंकि 20 दिसंबर को ऐसा ही हुआ था, यानी कि बिना किसी अपडेट के, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी सर्कुलर के स्टूडेंट्स का जो करेक्शन पोर्टल था वो ओपन हो गया था, और उसके 2 या 3 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया था। और कुछ स्टूडेंट्स उसमें करेक्शन कर पाए थे, कुछ स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म गलत कर दिए थे जल्दबाजी के चक्कर में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि रेगुलर चेक करते रहिए, और जैसे ही करेक्शन पोर्टल ओपन हो तो जल्दबाजी मत करिएगा, पहले थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, वीडियो का वेट करिएगा कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरह से करेक्शन करना है, उसके बाद ही आप लोग करेक्शन करिएगा। मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि आप लोग चिंता ना करें, सिर्फ और सिर्फ आप लोग 10 से 12 दिन का और वेट कर लें, उसके बाद आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि थर्ड स्टेज का जो रजिस्ट्रेशन हुए थे उसकी स्क्रूटनी वगैरह चल रही है, जिसकी वजह से अभी जो आपका पोर्टल है वो ओपन नहीं किया गया, ठीक है। और अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर लिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।